नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और उसमें भी डेट फंड्स के बारे में। इक्विटी तो खैर वन साइड तेजी है, आज भी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो निफ्टी 14,800 14,900 के आसपास जाके 900 छू के आया इनफैक्ट, और आज भी फिर से 100 पॉइंट की सेंचुरी निफ्टी ने लगा दी। तो इक्विटी तो सेट है, अगर आप इन्वेस्टेड होंगे इक्विटी में तो आपका रोज पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, वेरी गुड। यदि आपको हेज करना है तो आज का दिन हेजिंग के लिए सही होता है, आज का दिन एज इन जिस दिन मार्केट ऊपर रह जाए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर रहता है तो पुट ऑप्शन सस्ते होते हैं, और पुट ऑप्शन सस्ते होते हैं तो आपको कम प्रीमियम में आप अपने आप को हेज कर सकते हो। तो हेजिंग से अपने वीडियोज़ हैं, और इक्विटी की बात ठीक है, लेकिन अब हम धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं कि ये रैली जो इक्विटी में एक तरफा जो चल रही है, अगर इक्विटी ऊपर जाता है तो अच्छा ही है ना अपने को, हम में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर शेयर बाजार ऊपर जाता है, जाए यार 14,000 जाए, 15,000 जाए, 16,000 जाए, वैसे भी तो ये ऐसा चल रहा है कि वो अपना एक वीडियो है राकेश झुनझुनवाला सर का, जिसके लोगों ने काट के कॉपी करके इतने चलाए, वो हर्षद मेहता के ने, हमारा खुद का वीडियो है, हमको पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं वो, तो उसमें राकेश झुनझुनवाला, वो मैं और शिवानी मैडम थे उस वीडियो में। आप कहीं और देखते हो अगर वो वीडियो तो बताओ उनको कि ये मनी भी का चोरा हुआ वीडियो है, मत चलाओ करके कुछ भी। तो एनीवे, उसमें राकेश झुनझुनवाला सर ने एक बोला है, सब फंडा का मेंटल है, वैसा हो गया ही है। एक क्या एक तरह निफ्टी का पी 30 35 40 चल ही रहा है, चल ही रहा है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सीएपी, सिक्लिकली एडजस्टेड पी रेशियो, आज लिख लेंगे कभी इसके ऊपर, एक दो दिन में कर लेंगे। सीएपी सिक्लिकली एडजस्ट, इसको शिलर रेशियो भी बोलते हैं, शिलर पी रेशियो, क्योंकि वो शिलर ने निकाला। इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे बेयर्स एंड बुल्स का, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो कैसे करते हैं वो इंडिया में, देखो बात करते करते फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, आज तो एक्सपायरी भी है। इक्विटी इतना सेट है कि इक्विटी पे कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्वेस्टेड रहो, डेली SIP STP चलते रहो, बाजार ऊपर खुद ही लेके जाएगा। ये जो कहानी चल रही है, ये अगर खराब होनी है, ये बुल मार्केट को अगर थमना है, रुकना है, तो क्या क्या हो सकता है कि जिसके कारण ये बुल मार्केट रुक सकता है। और उसमें से एक कड़ी, कल हमने देखा था इसको कि डॉलर इंडेक्स और यील्ड विल्ड्स पे, आज हम उसको और डीप में लेके जा रहे हैं। तो अपने सामने हमने ये वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन से फंड्स कौन से सिलेक्ट करें, ओवरनाइट डेट फंड और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, बॉन्ड मार्केट की सीरीज है वो देखिए। बहुत सिंपल बात में एक बात देख लीजिए कि डेट फंड्स में ड्यूरेशन इज अ रिस्क। अब ये ड्यूरेशन इज अ रिस्क क्यों है, पहले आप ये समझ लीजिए। आपने 100 रुपये, ये लाइव वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। ये वाला यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये का, यहाँ पे 3.30 का है, तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिए 3%। आपने अगर 100 रुपये 3% पे 1 साल के लिए लगा दिए, यानी कि 365 डेज, और उसके 5 दिन बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3.4 की तरफ ये रेड लाइन बढ़ी है, तो अगर इंटरेस्ट रेट 3.5% हो जाते हैं तो आपके तो पैसे 365 दिन के लिए ही लगे हुए हैं। आपके लिए तो बैंक थोड़ी ना बोलेगी कि हम आजकल 3.5% दे रहे हैं, तो एक काम करो, आपके अभी 5 दिन हो गए, आपके और 360 दिन बचे हैं मान के चलिए, तो आप ये पहले 5 दिन के लिए 3% मिल गया मिल गया, पर अभी हम 3.5 दे रहे हैं तो हम आपको भी 3.5 के हिसाब से देंगे। बैंक ऐसा नहीं बोलने वाली है, बैंक क्यों बोलेगी, ज़्यादा रिटर्न क्यों बैंक देगी, आप समझ रहे हैं इस बात को। सो देयरफॉर बॉन्ड मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कब लॉन्ग ड्यूरेशन, कब लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स करते हैं और कब फिक्स डिपॉजिट, यानी क्या है बॉन्ड, ये जो ट्रेड नहीं होता बस, इट इज़ नॉट अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, बाकी है तो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट ही है। तो इसलिए अब जब ब्याज दरें बढ़ रही है, अब जब ब्याज दरें बढ़ रही हैं, तो आपने कौन से फंड में
ध्यान देना चाहिए, जाना नहीं जाना बात की बात है, एसेट एलोकेशन है, रिस्क प्रोफाइल है, वो सब है, पर मैथमेटिक्स और बॉन्ड मैथमेटिक्स के हिसाब से आप बड़ा इंटरेस्टिंग, एक ये पिछले एक हफ्ते का है, ये पिछले एक सप्ताह में ये इतना सारा हुआ है, और इसी में तो ये जो रेड वाली लाइन है ये शॉर्ट टर्म के रेट्स है, इंडिया के 3 मंथ, तो इंडिया के 3 मंथ यील्ड ये बढ़ना चालू हो गया पिछले 4, 5, 6, 7 दिनों से, और लॉन्ग टर्म यील्ड तो ठीक ही है, और ये बजट वाले दिन फट से भग गया यहाँ पे। तो यहाँ का ये वाला और ये पिछले 1 महीने कितना डेट देख लो इसकी क्या है, 7 जनवरी ना, यानी 1 महीना पकड़ लो चलो, तो 7 जनवरी से आज, तो शॉर्ट टर्म का 1 महीना और लॉन्ग टर्म का 1 महीना तो फ्लैट ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये 10 ईयर का ये बजट वाला दिन, तो ये दोनों का अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये अपना फॉर्म है, अभी याद आया तो अभी आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्म है, तो वो बाद में भर दीजिए डिटेल्स, अभी यहीं पे खुला है तो याद आ गया तो आपको बता दिया, तो BSE IPF को देने पड़ते हैं, तो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो ध्यान दीजिए कि यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन और ओवरनाइट, ओवरनाइट यानी जिसमें एकदम से कम ड्यूरेशन रहेगा, जो बहुत शॉर्ट टर्म पेपर्स में इन्वेस्ट करता है, और लॉन्ग ड्यूरेशन जो तीन आपने बजट का जो अगर याद होगा आपको, तो गवर्नमेंट जो बोरो करने वाला है 12 लाख करोड़, वो 12 लाख करोड़ का मैं आप भी हाउसिंग लोन लोगे तो 20 साल का हाउसिंग लोन लेते हो, कार लोन लेते हो तो 7 साल का कार लोन लेते हो, दैट मीन्स लोन के भी अलग अलग मैच्योरिटीज होती है, अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, ड्यूरेशन ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है बॉन्ड मार्केट में, पर सर्वसामान्य भाषा में अलग अलग समय के लिए लोन्स होते हैं, और वो जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं, वो जो अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो मैं जो बॉन्ड पेपर इशू कर रहा हूँ वो बॉन्ड पेपर 1 साल 2 साल 5 साल अलग अलग मैच्योरिटी का जो मार्केट में ट्रेड होता है उसको कहा गया है डेट मार्केट। इंडिया का जैसे बैलेंस शीट में दो पार्ट्स है, बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं डेट और इक्विटी, तो इक्विटी का तो आपका इक्विटी मार्केट है शेयर बाजार, ये जो डेट मार्केट है ये जहाँ पे ट्रेड होता है उसको डेट मार्केट बोलते हैं। अब इक्विटी में क्या होता है कि मैं आपसे पैसे लेता हूँ और आपको शेयर देता हूँ, IPO जो आप इतने सारे कर रहे हैं, वैसे ही डेट मार्केट में भी होता है कि मैं आपसे पैसे लेता हूँ और आपको डेट पेपर ही देता हूँ, इक्विटी नहीं वो डेट पेपर रहेगा, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो ये इक्विटी जहाँ पे ट्रेड होता है सेंसेक्स निफ्टी BSE NSE वो स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वैसे ही डेट पेपर भी एक जगह पे जहाँ पे ट्रेड होता है वो डेट मार्केट हो गया, और कोई ऐसी फिजिकल जगह नहीं है, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये जो डेट पेपर्स हैं, अब इक्विटी तो खैर परपेचुअल है क्योंकि कंपनी है तो कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, लेकिन डेट के अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, जैसे ये वाले चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंडिया 3 मंथ, तो ये इंडिया का 3 मंथ ट्रेजरी बिल का यील्ड है, ये है इंडिया 10 ईयर, तो ये है आपको 10 ईयर का इंडिया का यील्ड दिखेगा, ऐसे ही आपको एक और सिर्फ हम देख लेंगे US डॉलर इंडेक्स, और ये जो पर्पल वाली लाइन है ये US का 10 ईयर का बॉन्ड है और उसके यील्ड बढ़ते जा रहे हैं अभी, तो देयरफॉर ये 10 ईयर और अपना किधर गया अभी, तो हाँ इंडिया 3 मंथ्स एंड 10 ईयर्स, तो 10 ईयर बॉन्ड ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क माना जाता है, जैसे सेंसेक्स निफ्टी माना जाते हैं वैसे 10 ईयर ये ग्लोबली बेंचमार्क माना जाता है। तो ये पार्श्वभूमि में अब हमें देखना है कि पिछले 1 महीने में शॉर्ट टर्म में जो यील्ड्स बढ़े उसका क्या हुआ। इक्विटी का ठीक है रैली चली रही है, एक बार ध्यान दे दो इक्विटी पे, इक्विटी चल रहा है 14,900 फिर से जाके आ गया, सेंसेक्स 50,000 के ऊपर है। नाउ आप यहाँ पे 1 वीक रिटर्न्स के हिसाब से अगर लगाएंगे शॉर्ट असेंडिंग शॉर्ट डिसेंडिंग, तो आप देखिए माइनस 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 माइनस, ये कौन से फंड्स हैं जिनको माइनस माइनस मिले हैं, ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हैं, भारत बॉन्ड, आईप्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड, दिखा है ना लॉन्ग टर्म, यानी कि वो दीर्घावधि के पेपर्स में इन्वेस्ट करता है, और प्लस रिटर्न देखिए कहाँ से स्टार्ट हो गए, ये सब ओवरनाइट फंड्स हैं, ओवरनाइट ओवरनाइट डायरेक्ट ओवरनाइट ओवरनाइट प्लस प्लस ओवरनाइट, अब वही आईप्रू का ओवरनाइट, तो आईप्रू का एक फंड एक हफ्ते में माइनस रिटर्न दे रहा है और आईप्रू का एक फंड एक हफ्ते में प्लस रिटर्न दे रहा है, इसमें आईप्रू को आप जज नहीं कर सकते, ये बॉन्ड मैथमेटिक्स की बात चल रही है,
यहाँ पे ये समझना है। तो जितने भी ओवरनाइट फंड्स हैं या जितने भी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं, तो आपको अभी ओवरनाइट, जब हम वहाँ पे बोल रहे हैं तो ओवरनाइट की एक कैटेगरी बना देते हैं, ओवरनाइट हो गया, फिर लिक्विड फंड्स हो गए, फिर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिर फ्लोटिंग रेट फंड्स हो गए। फ्लोटिंग रेट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फ्लोटिंग रेट अगर आपको समझना है तो यहाँ पे आपने जो जब एफडी लगाया तब आपने एफडी फ्लोटिंग रेट पे लगाया। फ्लोटिंग रेट यानी आपने बैंक को बोला कि जब आपका बढ़ेगा तब उस दिन से मेरा भी बढ़ना चाहिए। तो आपको 5 दिन बाद अगर ये 360 3.5 हो जाता है तो बैंक को आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैसा है कि फिर आप, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ऐसे होते हैं फ्लोटिंग रेट फंड्स, ये है इंडिया में, कम पेपर्स हैं पर फिर भी फ्लोटिंग रेट फंड्स है अवेलेबल। तो ये सब थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर वाले पेपर्स हो गए, लिक्विड फंड, ट्रेजरी बिल्स, CP CD, ये लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इनके टिपिकल पेपर्स क्या रहते हैं, T-बिल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, CP और CD, बॉन्ड मार्केट की सीरीज में डिटेल में दिया हुआ है। अब इसके अगेंस्ट, अच्छा ये एक एक सप्ताह का हो गया, हाँ इसके अगेंस्ट ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो ठीक है, उसमें तो फिर 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 40 साल तक के बॉन्ड्स अवेलेबल है। तो 1 वीक में आपने क्या देखा, देखो दो चीज़ें हो रही है 1 वीक में, यहाँ पे पिछले इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चालू हो गए 1 वीक में, हम और भी देखेंगे क्योंकि अभी ये 1 मंथ से हमें देखना है। तो अगर आप इसको 1 मंथ असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे तो फिर से आप देखो, जितने भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स हैं, इन्होंने 1 मंथ में भी माइनस 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 दिया है। और जैसे ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स आ गए, ये सब ने इवन ऑन अ सब ने एक साथ एज अ कैटेगरी सब ने, तो देखिए कौन से फंड में जाना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कौन से कैटेगरी में जाना है ये ज़्यादा, बाद में तो फिर सब 19-20 सबके रिटर्न्स आप देख सकते हो एक जैसे ही है, क्योंकि जब माइनस देते हैं तो सभी माइनस देंगे, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर की गलती नहीं है। जब ब्याज दरें ऊपर जाती हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को लॉस होता है, यह हमने कई बार बोला है, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप लॉन्ग टर्म बॉन्ड प्राइजेस फॉल मोर। ये पूरी बॉन्ड मार्केट की श्रृंखला इसी पे बनी है, और इनफैक्ट इक्विटी मार्केट को भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट से प्रॉब्लम होता है, वो ये है। तो आप देख लो कि एक महीने में भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ने निगेटिव रिटर्न दिए लेकिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। अब आप सोचिए, इक्विटी की बात नहीं हो रही है, यदि आपने 100 रुपये पिछले एक महीने में लॉन्ग टर्म बॉन्ड में देके रखे होंगे तो आज तो वो 98 रुपीज़ हो गए, 2% माइनस एक एब्सोल्यूट ना एब्सोल्यूट ही हो गए, जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्यों ना हो प्लस प्लस रिटर्न्स मिला है। सो कहने का मतलब ये है कि आप कब कौन से एसेट क्लास में जाते हो ये समझना बहुत स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बॉन्ड मार्केट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो पिछले एक बजट वाले दिन से ये जो बढ़ना चालू हो गया, और इसको अगर आप केवल इंडिया के 10 ईयर को देखेंगे तो ये पिछले 3 दिनों में यील्ड्स, हमने 2-3 दिन से बाद, आज थोड़े से कूल डाउन हुए पर ठीक है, आई मीन कोई बहुत नहीं, यहाँ से तो सीधा ऊपर ही डिसाइसिवली ऊपर चले गए। सो जब आप ये, अच्छा आप बोलोगे ये सब क्यों काम का है, एक डायरेक्टली अगर आप डेट फंड इन्वेस्टर है तो डायरेक्टली आपके काम में आ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। व्हेन रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, ध्यान दीजिए कल RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, RBI CRR कम, अगर CRR जो 1% से कम कर दिया वो अगर वापस से उसने ले लिया कि कोविड का प्रॉब्लम खत्म हो गया करके, एक्सेसिव लिक्विडिटी को कम करना है करके, तो एकदम से यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले फंड्स में रिटर्न्स में आएंगे। और फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे, देखेंगे क्या होता है उसके ऊपर, पर इसके लिए ये ध्यान में आता है। सो व्हेन रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज, शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म डेट फंड यानी कौन से, ये वाले ओवरनाइट लिक्विड मनी मार्केट फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट सबसे बढ़िया, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है आपको भी ज़्यादा ज़्यादा कूपन मिलते जा रहे हैं, कूपन फिक्स नहीं है। व्हेन रेट्स आर, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, व्हेन रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज शॉर्ट टर्म फंड्स में जाना चाहिए,
एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड से दूर रहो व्हेन रेट्स आर एक्सपेक्टेड. दिखा है ना आपको अभी ब्याज दर बढ़े भी है क्या पिछले, अभी तक तो आरबीआई ने कुछ बोला भी नहीं है, अभी तक आरबीआई ने कुछ बोला भी नहीं है. ब्याज दरें सिर्फ मार्केट में ब्याज दरें थोड़ी सी बढ़ क्या गई या ये यहाँ पे बजट वाले दिन, तो आप देख सकते हो कि बॉन्ड फंड्स ने माइनस रिटर्न देना चालू कर दिया है. अब आपको ध्यान इस पे देना है कि आप लॉन्ग टर्म, आप शॉर्ट टर्म में बने रहे कब तक, जब तक ब्याज दरें पूरे ऊपर नहीं जाती, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स पूरे ऊपर चले जाएंगे तब ये जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं इनकी जम के पिटाई होने वाली है. कोई भी फंड मैनेजर हो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो ये एनएवी नीचे जाएगा ही जाएगा. और फिर जब इंटरेस्ट रेट सबसे ऊपर रहेंगे, जब आपको लगेगा कि वहाँ से ब्याज दरें वापस नीचे आना चालू होगा, तब आप लिक्विड में से पैसा निकाल के लॉन्ग टर्म में डाल सकते हो. तो ये एसेट एलोकेशन जो है एक बहुत, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कैपिटल आइडियाज ऑनलाइन इंटरेस्ट रेट्स एलोकेशन. हाँ, ये यील्ड कर्व्स इंटरेस्ट रेट्स एंड एसेट एलोकेशन, आप कैपिटल आइडियाज ऑनलाइन पे, ये 2011 में लिखा हुआ पेपर है, ये 2011 में लिखा हुआ पेपर है इंटरेस्ट रेट्स यील्ड कर्व एसेट एलोकेशन. तो अगर आपको इसमें और इंटरेस्ट है बॉन्ड मार्केट में और स्पेसिफिकली इक्विटी और बॉन्ड के लिंकेजेस को समझने में, तो आप ये PDF है, डाउनलोडेबल है, आप ये इसके बारे में और पढ़ सकते हैं. तो ये था आज का अपना बेयर्स एंड बुल्स. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है CAPE, कैपिटल एडजस्टेड, सॉरी साइक्लिकली एडजस्टेड PE रेशियो, जिसके ऊपर एक हाथ दो दिन में इसके ऊपर बेयर्स एंड बुल्स करेंगे. आज जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी एक तरफा ऊपर, सेंसेक्स एक तरफा ऊपर, सुनने का नाम नहीं ले रहे. देखो आप, देखो आप सपोर्ट कितना बढ़िया है, 3821 50 मिनट पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 21 मिनट पे सपोर्ट लिया, अभी आधा घंटा बचा है आखिरी का, और आज तो एक्सपायरी भी है. तो ये वन साइड ऊपर अगर जा रहा है यहाँ पे, तो अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर है तो इस बात पे ध्यान दो, ये हेजिंग के लिए अच्छा टाइम होता है कि जितना ऊपर का पुट लॉन्ग पुट कर लेंगे उतना आप क्लोज हेज रहोगे. और ये इंटरेस्ट रेट्स जो थोड़े थोड़े बढ़ना चालू हो गए, अभी कल RBI पॉलिसी आएगी, तो कैसा है कि हमें आज जो सब हो रहा है वो तो लेना ही है, पर कल जब when the music stops, जब पार्टी बंद हो जाएगी, तब हमें वो पूरा नुकसान करके बैठे वैसा भी नहीं होना है. हमें ये पता रहना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्या करना है, वैसा हुआ तो क्या करना है, ये पूरा रेडी रहना चाहिए. इसलिए इमोशंस के लिए जगह ही नहीं है मार्केट में, सब लॉजिक पे काम कर, बाकी लोगों को रहने दो इमोशनल. बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, ये वो वाला पार्ट है. आज सब लोग मार्केट ऊपर जा रहे हैं, आप सिर्फ पुट ऑप्शन खरीदते जाओ. व्हाट इज पुट ऑप्शन? बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बाकी सब लोग खरीद रहे कर, आप सिर्फ क्योंकि डरो कि मार्केट अगर बढ़, डरो यानी कि टाइमिंग मत करो, और इन फंडामेंटल फैक्टर्स पे ध्यान देते रहो कि RBI क्या कर रहा है, बाकी सो ऑन सो फोर्थ. चलो, सो विद दैट वी विल स्टॉप. ये आपका नाम नंबर्स वहाँ पे नीचे लिख दीजिए फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. किधर गया अपना वो? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बेयर्स एंड बुल्स. CAPE पे एक वीडियो बनाएंगे. चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार. अच्छा हाँ, वो कैटेगरीकली जो बात करना आवश्यक है, अयान सर और शेयर एकेडमी, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप सब लोगों से इतने ज़्यादा आते हैं, तो जैसा BSC और ZEBI को थैंक यू बोलना होता है, वैसे अयान सर और शेयर एकेडमी को थैंक यू बोलना अभी ये नीचे आ गया, क्योंकि शायद शेयर एकेडमी वालों ने सोच के रखा है कि मनी भी के सब्सक्राइबर्स तो बढ़ाना ही है करके. चलिए, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप जो इतना अच्छा लिखते हो कि कंटेंट अच्छा है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ नया और कुछ काम का, नया यानी ज़बरदस्ती कुछ तो भी नया कंटेंट ला के मतलब नहीं है, काम का कंटेंट रहना चाहिए, कि जिससे यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप प्रोजेक्ट्स अच्छे बना सकते हो, इन्वेस्टर्स है तो खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, चाहे म्यूचुअल फंड चाहे स्टॉक्स, आप अच्छे कर सकते हो. तो इस हिसाब से हम भी काम कर रहे हैं, और जो आप सब लोगों से सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए सही में बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.